नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल की दरखास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि जुर्म साबित होने तक मुलजिम बेगुनाह होता है। बताएं एहसन इकबाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्यों ना नैब की बिला जवाब गिरफ्तारी को गलत करार दिया जाए। नैब के गिरफ्तारी के इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला की सरबराही में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने नैब से पूछा कि एहसन इकबाल तफ्तीश में तावुन कर रहे हैं तो गिरफ्तार कीजिए, क्या गिरफ्तार किए बगैर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी का हुक्म मजाज अथॉरिटी चेयरमैन नैब ने दिया। खदशा था कि एहसन इकबाल रिकॉर्ड टेम्पर कर देंगे। इस पर अदालत ने पूछा कि वो कैसे, क्या वजारत का रिकॉर्ड अब भी एहसन इकबाल के पास है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौका अपनाया कि एहसन इकबाल गवाहों को नैब नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, तफ्तीशी ऑफिसर साहब, आपको किस बुनियाद पर खदशा था कि ये गवाहों को नहीं आने देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एहसन इकबाल के मुल्क से फरार होने का भी खदशा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सूरत में आपको मुलजिम का नाम ECL में शामिल करना चाहिए था। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क दिए कि क्यों ना नैब की बिला जवाब गिरफ्तारी को गलत करार दिया जाए। नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को 23 दिसंबर को नैब ने गिरफ्तार किया था।